हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ फंक्शन। और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि डोमेन और रेंज आप क्लास 11th वाले कॉपी से उसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपने रिवाइज कर लिया होगा और उसके बाद ही आपके ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन चार टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन्टू फंक्शन, और ऑन्टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन्टू दोनों हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो चलिए वन बाय वन इन चारों डेफिनेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए एरो बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, दैट इज इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वेयर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये कैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है। अच्छा, वन वन फंक्शन को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमने मैथमेटिकली देख सकते हैं, दूसरा क्या है, ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या होता है कि हम कैसे समझेंगे कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। तो ग्राफिकली, ए फंक्शन इज सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ऐसा कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, अगर वो ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक तीसरा भी तरीका है वन वन फंक्शन को बताने के लिए, कि ए फंक्शन विच इज आइदर ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन को भी हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हम समझते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और ये हम डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने पर डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने पर डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों होता है। तो फिलहाल इस टॉपिक में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जहाँ पे यूज़ होगा तो हम लोग कर लेंगे, बाकी डिटेल में हम लोग वहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो अगर एक फंक्शन है जो कि वन वन फंक्शन है, तो वन वन होने के लिए हम तीन तरीके से वन वन हम देख सकते हैं, या तो मैथमेटिकली देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, और तीसरा तरीका ये है। नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच दैट ए एरो बी इज सेट टू बी सर्जेक्टिव फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द सेट बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए। इसका क्या मतलब है कि बी वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हों, तो ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है इसमें, सर्जेक्टिव फंक्शन में। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे इसको। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो वन वन नहीं होता है, नॉट वन वन। ए फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन। मैथमेटिकली एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो और एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, अगर हम यहाँ से प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन मेनी वन हो जाता है। इसी तरीके से इनटू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इनटू। तो यहाँ हम मेनली हम देख सकते हैं कि सिर्फ दो ही फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है, या तो फंक्शन वन वन होगा या तो मेनी वन होगा, और दूसरा ये है कि या तो फंक्शन ऑन टू होगा या तो इन टू होगा। तो इस तरीके से हमें सिर्फ दो डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन वन वन एंड फंक्शन ऑन टू।